Hello, my favorite people in the world. You are my favorite because obviously you are watching this YouTube channel, you're watching me. So thank you so much for all your support and your appreciation. I genuinely require it and I genuinely appreciate it. Okay. So thank you for watching this channel. I am Rizzy और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2020 के माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स. सो आई हैव लेड आउट ऑल माई फेवरेट प्रोडक्ट्स ओवर हियर. मैं इन सब के बारे में आपसे बात करूँगी. सो जस्ट ग्रैब अ स्नैक बिकॉज ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, काफ़ी लंबा होने वाला है. आई वॉज मेकिंग अ लिस्ट कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी. इट हैज़ स्किन केयर, इट हैज़ मेकअप, इट हैज़ टूल्स एज वेल. सो काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है. सो कम्प्लीटली गो अहेड, कुछ खाने को ले आओ वरना भूख लगेगी बीच में. पीने के लिए पानी रखो और उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करो. सो लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो. सबसे पहली कैटेगरी है स्किन केयर और आप सबको पता है कि मुझे स्किन केयर से कितना ज़्यादा प्यार है. सीरम के लिए तो आई एम क्रेजी. ओके, सो आई एम टोटली कम्प्लीटली ड्रिवन बाई सो मैनी सीरम्स इन 2020. मैंने इतने सीरम्स यूज़ किए. आई कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट ईच एंड एवरी सीरम दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑन नायका और ऑन अमेजोन. तो डेफिनेटली अगर सीरम के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट्स में लिखो कि कौन सा सीरम आप जानना चाहते हो, किसका रिव्यू चाहते हो. और डेफिनेटली अगर मैंने वो ट्राई किया होगा, जो कि मैंने किया होगा ऑब्वियसली, तो आई विल गेट यू गाइज ऑल द डीट्स अबाउट दैट. ओके, सो एनीवेज, जो सीरम मुझे सबसे ज़्यादा स्टूड आउट किया 2020 में वो है डॉट एंड की का ये ग्लो सीरम. और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा इंटरनेट इज क्रेजी अबाउट दिस सीरम इन 2020 में. जैसे ही ये लॉन्च हुआ था उसके तुरंत बाद ही मैंने अपने चैनल पर इसका एक रिव्यू वीडियो भी डाला हुआ है, उसका लिंक ऊपर मैं दे दूंगी. तो आपको अगर वो देखना है तो आप वो देख सकते हो, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इस सीरम के बारे में. और ये सीरम काफ़ी अच्छा है, मेरे स्पॉट्स को ये काफ़ी रिड्यूस करता है. अगर आपके ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो ये उसको रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छा है. सो एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट इट, नॉट जस्ट मी. सो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरम्स इन 2020. आई लिंक डाउन ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो कि आप ये कहाँ से परचेज कर सकते हो, फिर वो जरूर चेक कर लेना एक बार सारी इन्फॉर्मेशन के लिए. ओके, सो ये काफ़ी अमेजिंग सीरम है. इसके अलावा मैंने वाओ स्किन केयर का भी सीरम ट्राई किया, मुझे वो ओके लगा, ठीक है. बट जो सीरम सबसे अमेजिंग है, इवन अमेजिंग दैन दिस वन, इज द डॉक्टर शेड्स सीका एंड सेरामाइड ओवरनाइट रिपेयर सीरम. ओ माई गॉड, दिस इज सो गुड फॉर यू ड्राई स्किन पीपल आउट देयर. अमेजिंग, टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. अगर आप मतलब यू आर अबव 25 या अबव 20 इवन, और अगर आप एज ड्रिवन सीरम्स भी ट्राई करना चाहते हो जो कि यू नो एजलेस ब्यूटी काइंड ऑफ थिंग, जो कि आपकी एजिंग को रोकें, तो डेफिनेटली ट्राई दिस गाई आउट, डॉक्टर शेड्स सीका एंड सेरामाइड सीरम. दिस इज एन अमेजिंग गाई, आई लव दिस गाई ओवर हियर. और थोड़ा सा कॉस्टली है, आई थिंक दिस वॉज फॉर 900 और समथिंग, आई विल मैंशन द प्राइस ओवर हियर. थोड़ा सा कॉस्टली है बट मैंने इसे डिस्काउंट पे लिया था 20% ऑफ, सो काफ़ी इजीली नायका पे डिस्काउंट में मिल जाएगा. तो आप भी इसे ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, एक अमेजिंग सीरम है. इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी है स्किन केयर की, वो है हमारा मास्क. हम सब लोग मास्क यूज़ करते हैं एंड आई एम ऑल्सो क्रेजी अबाउट मास्क. सो जो एक बहुत ही अमेजिंग फाइंड थी मेरे लिए 2020 में, जो नायका ने लॉन्च किया था, वो था नायका क्ले इट कूल मास्क. ये वाला वेरिएंट है एजलेस ब्यूटी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बूढ़ी हो रही हूँ धीरे धीरे, मुझे पता चलता है मेरे अंडर आईज पे क्रीजेस बनने लगे हैं, रिंकल्स बनने लगे हैं, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए ये मास्क अमेजिंग है. इस मास्क को लगाने के बाद इंस्टेंटली मेरे पोर्स काफ़ी जो है ना विजिबल होना कम हो गए, मतलब विजिबिलिटी उनकी काफ़ी रिड्यूस हो गई, काफ़ी श्रिंक डाउन हो गए. तो काफ़ी अमेजिंग मास्क है ये, बहुत ही अमेजिंग मास्क है. इसको अगर ट्राई करना तो ज़रूर ट्राई करना. और आप देख सकते हो कि ये इतना बड़ा जार है और मैंने ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीटली फिनिश इसे कर दिया है. तो आप समझ सकते हो, जबकि मेरे पास इतने ज़्यादा मास्क है, मेरा पूरा एक ड्रॉर मास्क से ही भरा हुआ है. तो डेफिनेटली काफ़ी अमेजिंग मास्क है. इसके अलावा जो दूसरा मास्क है वो है नरिश मंत्रा का ऑरेंज एंड सेफ्रॉन आनंदा ग्लो मास्क. और ये जो है ये सैम्पल साइज है, दिस इज ओनली फॉर 12 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. ये मुझे नरिश मंत्रा ने पीआर पैकेज में भेजा था, मिनी मास्क सेट. इसका इतना बड़ा सा एक मास्क सेट आता है जिसमें इसके तीन वेरिएंट्स हैं, उसमें से सबसे अमेजिंग वेरिएंट यही है, ऑरेंज एंड सेफ्रॉन आनंदा ग्लो मास्क. लिख लो कहीं पर आनंदा ग्लो मास्क. दिस इज सच एन अमेजिंग मास्क, सच एन अमेजिंग मास्क. मैं बता नहीं सकती कि ये कितना अमेजिंग है आपकी स्किन के लिए. और इसको लगाते ही आप रिफ्रेश में
महसूस करोगे जब आप इसको पानी से वार्म वाटर से धुलोगे, उसके बाद आप महसूस करोगे कि ये कितना आपके स्किन को कितना ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड कर रहा है, अंदर से रेडियंस प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को. सो मतलब मेरी स्किन इसको लगाने के बाद ऐसा लगता है उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कूल और काफ़ी यू नो फ्रेश और काफ़ी मॉइस्चराइज महसूस करती है इस मास्क को लगाने के बाद. तो डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड. थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पर है इसका, जो बड़ा वर्जन आता है अराउंड इतना बड़ा होगा शायद 100 ग्राम का शायद, उसका प्राइस है 1800 रुपीज़. बट अगर आप स्प्लर्ज कर सकते हो तो प्लीज़ डेफिनेटली स्प्लर्ज इट. और अगर आप बड़ा वर्जन नहीं ले सकते हो तो एक मिनी मास्क, ये आई थिंक मैंने इसे 3-4 बार यूज कर चुकी हूँ मैं इसे, और स्टिल इट हैज सो मच मास्क लेफ्ट. मतलब अभी ये 2 टाइम और यूज हो जाएगा. बट आई एम डेफिनेटली इन लव विद दिस मास्क. और अगर आप इसे ओपन करोगे और अगर आप इसकी टेक्स्चर देखोगे तो आप देख सकते हो कि उसमें छोटे छोटे से यू नो पार्टिकल्स हैं ऑरेंज के. तो डेफिनेटली इंग्रेडिएंट्स जो भी इसमें हैं सारे नेचुरल हैं, 100% वीगन है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बेनिफिट योर स्किन अ लॉट. सो डेफिनेटली डू ट्राई दिस आउट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 फाइंड फॉर मी. ओके गाइज, सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज डेफिनेटली मेकअप ऑब्वियसली. सो सबसे पहली कैटेगरी है प्राइमर्स. प्राइमर में मैंने कुछ भी 2020 में नया ट्राई नहीं किया, और मैंने काफ़ी इनफैक्ट सॉरी ट्राई किया पर मुझे कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्टूड आउट नहीं किया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा कोई भी प्राइमर. मैं अभी भी अपना बेनिफिट प्रोफेशनल प्राइमर, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर्स विच इज़ आउट देयर. इसके अलावा वेट एंड वाइल्ड का डीवी प्राइमर, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अभी तक ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है. अगर आपको यू नो ग्लोइनेस चाहिए होती है अपने मेकअप के यू नो नीचे, अगर मेकअप के अंडरनीथ आप चाहते हो कि थोड़ा सा ग्लो हो आपकी स्किन में, तो डेफिनेटली ये वाला वेट एंड वाइल्ड ब्यूटी का डीवी प्राइमर ट्राई करो. काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अमेजिंग है. तो इनके अलावा मैंने बहुत सारे नए ट्राई किए. मैं बता देती हूँ कि मैंने एले गर्ल का पोर प्राइमर ट्राई किया नया. इसके अलावा मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के एक दो नए प्राइमर ट्राई किए थे. नायका का मैंने प्राइमर ट्राई किया, मुझे वो सब कुछ अच्छा नहीं लगा. इनफैक्ट नायका का प्राइमर तो आई हेट इट बिकॉज इट्स कम्प्लीटली सिलिकॉन. सिर्फ सिलिकॉन है उसमें और कुछ भी नहीं है, आपकी स्किन के लिए बहुत बेकार है वो. बेनिफिट में भी सिलिकॉन है लेट मी टेल यू, बट एटलीस्ट दिस डज अ वेरी गुड जॉब इन यू नो प्रोवाइडिंग अ स्मूथ बेस टू योर मेकअप. नायका प्रेपनी अब तो बकवास प्राइमर है, बिल्कुल उसे भूल जाओ. और जो कह रहा है कि बहुत अच्छा प्राइमर है, दैट्स टोटली स्पॉन्सर्ड. ओके, तो गाइस ये प्राइमर काफ़ी अमेजिंग है बेनिफिट वाला. इसके अलावा वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर अच्छा है, अफोर्डेबल है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. इसके अलावा 2020 में कोई अच्छा प्राइमर लॉन्च नहीं हुआ है. इसके अलावा फाउंडेशन के लिए यस, टू फेस्ड का बॉन्ड दिस वे फाउंडेशन मैंने नया ट्राई किया है 2020 में. आई डू नॉट नो वेयर इट इज, लेट मी जस्ट ग्रैब दिस बॉटल. ओके, इसके बारे में मैंने एक फुल रिव्यू भी किया है 2020 में. नायका में ये टू फेस्ड ब्रांड लॉन्च किया था बेसिकली 2020 के स्टार्टिंग में ही. उसके बाद से ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी लॉन्च होना स्टार्ट हो गए, वरना पहले तो इंडिया में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे ही नहीं टू फेस्ड ब्रांड के. तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा मनी स्प्लर्ज कर सको, दिस लिटिल गाय कॉस्ट अराउंड 3800, तो अगर आप इतना मनी स्प्लर्ज कर सको बॉर्न दिस वे फाउंडेशन जरूर ट्राई करो. काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है, काफ़ी शेयर लुक देता है. मैंने पूरा वीडियो किया हुआ है, मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी उस वीडियो को, उसमें ज़रूर देखना. सिर्फ एक चीज़ मुझे इसमें मतलब ये वाला शेड शायद मेरे लिए थोड़ा सा डार्कर शेड है, बट इसके अलावा काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी ग्लोई फिनिश है, काफ़ी ल्यूमिनस है, काफ़ी लंबा स्टे करता है यार. तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई करो अगर आप ट्राई कर सकते हो. फाउंडेशन में इसके अलावा मेरा अभी भी वन ऑफ द फेवरेट्स है अफोर्डेबल की कैटेगरी में, मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन फाउंडेशन. इसके अलावा अगर आप कोई भी प्राइमर कोई भी फाउंडेशन आपको लगता है कि पता नहीं मेरी स्किन पर सूट करेगा या नहीं करेगा, भाई सीधे जाओ और मेबलिन का फिट मी का अपना शेड किसी भी स्टोर से ले लो. ये फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि हर इंडियन स्किन टोन पे, हर इंडियन गर्ल पे सूट करेगा. चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे ऑयली स्किन हो, हर स्किन वेराइटी पे, हर स्किन टाइप पे, हर स्किन कलर पे सूट करेगा. लड़का लड़की सबको सूट करेगा. काफ़ी अमेजिंग है फाउंडेशन, काफ़ी अफोर्डेबल है. तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक कोई अच्छा फाउंडेशन यूज नहीं कर पाया हो, आपको अपना फाउंडेशन नहीं मिला है, तो डेफिनेटली इसको ट्राई करके देखो. एक बार मेरे कहने से ट्राई करके देखो, यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन. फाउंडेशन
फाउंडेशन के बाद आते हैं कंसीलर पे. कंसीलर में अगेन मैं फिर से वही बोलूंगी कि थोड़ा सा अगर पैसा खर्च कर सकते हो फाउंडेशन और कंसीलर पे, ये सारी चीजें ऐसी होती है ना कि आपको थोड़ा सा ही लगाना होता है और उसके बाद आपका मेकअप काफी अमेजिंग स्टे करता है. ठीक है, तो मतलब ऐसा तो नहीं आप फाउंडेशन पूरा थोपते रहोगे पूरे फेस पे, इतना सा ही जरूरी होता है. तो अगर आप ये बॉटल एक खरीदते हो तो आराम से आपको एक डेढ़ साल चल जाएगी. अगर आप मेरी तरह मेकअप आर्टिस्ट हो तो शायद आपको 6-7 महीने चल जाएगी, बट मैंने यार जून में खरीदी थी और ये अभी तक चल रही है बिकॉज मेरे पास और भी फाउंडेशन है तो मैं वो भी लगाती रहती हूँ, मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ. सो डेफिनेटली अगर ऐसा है तो काफी चल जाएगी. अगर आप सिंगल वन फाउंडेशन ले रहे हो तो भी आपको 6-7 महीने तक आराम से चल जाएगी एक बॉटल, काफी ज्यादा प्रोडक्ट होता है. तो डेफिनेटली क्यों नहीं आप खर्च करना चाहते हो यार, एक बार अच्छे फाउंडेशन के ऊपर खर्च कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, मेकअप करने में मजा आएगा. ठीक है, तो ये वाला कंसीलर टू फेज का बॉन दिस पे कंसीलर, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अमेजिंग कंसीलर है, काफी अच्छी कवरेज देता है. आपने सुना होगा अगर अगर आप भी मेकअप एंथुसियास्ट हो मेरी तरह तो आपको पता होगा कि टार्ट का फेस टेप करके एक कंसीलर आता है जो कि काफी अमेजिंग होता है. बहुत सालों तक वो कल्ट फेवरेट रहा था, बहुत सालों तक मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ उसी कंसीलर को यूज करते थे. लाइक इट वॉज अ ब्रेक डाउन, लाइक ब्रेक थ्रू होता है या ब्रेक डाउन होता है, आई डोंट रिमेम्बर. ओके, ब्रेक थ्रू, यस इट वॉज अ ब्रेक थ्रू फॉर द कंसीलर इंडस्ट्री. सो उसी का ड्यूप है ये कह सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद इसने लॉन्च किया था टू फेस्ड ने बॉन्ड दिस वे, और उसी की तरह कंसिस्टेंसी है, उसी की तरह कवरेज है, और उसी की तरह स्टेइंग पावर है, क्रीज भी नहीं करता है, काफी अमेजिंग कंसीलर है. ये आप जरूर ट्राई करना अगर ये आप ट्राई नहीं कर सकते हो, अगर काफी महंगा है. तो इसके अलावा मेरे पास 2020 में मैंने एक और ऑप्शन यू नो खोज के निकाला था. अभी रिसेंटली नवंबर या दिसंबर में मैंने इसको यू नो डिस्कवर किया है. ये है फ्लावर ब्यूटी का लाइट इल्यूजन कंसीलर. ओ माई गॉड, आई एम इन लव विद दिस कंसीलर. दिस इज सो अमेजिंग, सो क्रीमी, सो सुपर लॉन्ग लास्टिंग, सो क्रीज फ्री. आई जस्ट लव इट, मतलब बहुत ही अमेजिंग है. अगर इसमें आपको अपना शेड मिल जाए, जो कि इसके शायद 7 या 8 शेड्स अवेलेबल हैं खाली, तो डेफिनेटली अगर आपको आपका शेड मिल जाए इसमें तो आप जरूर इसे ट्राई करो, काफी अमेजिंग है. और शायद 800 या 900 रुपए का है, विच इज नॉट दैट मच, क्योंकि प्रो कंसील भी 490 रुपए का आता है. तो और वो तो हर कोई यूज करता है, राइट? आप भी यूज करते हो, करेक्ट? तो प्रो कंसील अगर आप यूज कर रहे हो एले गर्ल का तो थोड़ा सा महंगा आप ये वाला फ्लावर ब्यूटी भी यूज कर सकते हो. बट अगर वो भी यूज कर रहे हो, वो भी मेरा बहुत फेवरेट है, वो भी 2020 में मैंने बहुत यूज किया है. तो डेफिनेटली फ्लावर ब्यूटी एक वन ऑफ द ऑप्शन है. बट अगर आप अपना वही सेम कंसीलर प्रो कंसील यूज करना चाहते हो तो आप वही करते रहो, ठीक है, नो इश्यूज. बट 2020 में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फाइंड्स दैट आई हैड. कंसीलर के बाद आते हैं लूज पाउडर पे. ओके, लेट मी टेल यू, लूज पाउडर में मैंने 2020 में के ब्यूटी ने अपना लूज पाउडर लॉन्च किया था. मैंने उसे यूज किया, मुझे काफी अमेजिंग भी लगा वो. जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट गो बैक एंड ग्रैब दैट. दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो के ब्यूटी का लूज पाउडर है, ये अमेजिंग है. फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से क्रीज फ्री रखता है आपके अंडर आईज को, काफी अच्छे से सेट करता है, बेकिंग के लिए भी काफी अच्छा है. सिर्फ इसमें ही मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी कि भाई इसको यूज करने का मुझे समझ में नहीं आया. मतलब अगर ऐसे करो तो ये वाला जो पोर्शन है कैप में, ये इंट्रूड करता है, ठीक है, और अगर ऐसे हवा में उड़ाओ तो पूरा ही उड़ जाएगा ऑब्वियसली. तो मेरे को समझ में नहीं आया इसे, मतलब पाउडर को इसको निकालने में इस ट्रे में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. इसके अलावा मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफी अमेजिंग है. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट. मेरा फेवरेट 2020 का अभी भी फिट मी ही है. यही एक ऐसा पाउडर है जो कि मैं रोज यूज करती हूँ, काफी अफोर्डेबल है. इसके अलावा मेरे पास भरत एंड डोरिस का भी है, मेकअप रेवोल्यूशन का लूज पाउडर है, एले गर्ल प्रो का पाउडर है, वो सारे के सारे पाउडर रखे हुए हैं. मैं सिर्फ ये वाला पाउडर यूज करती हूँ. सो दिस इज अमेजिंग. आपको फ्लैश में भी वो एक वाइट लाइन जो यहाँ पे दिखती है वो नहीं दिखेगी कभी भी आप फोटो लोगे तो. और बेसिकली बेक करने के लिए भी अच्छा है और सेट करने के लिए भी अच्छा है. तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम 2020. In fact, this is one of my favorite since 2018, but it is still valid in 2020. अगर हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छा option है लूज पाउडर के लिए जो कि मुझे आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगेगा या मुझे ट्राई करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा पाउडर है जो मुझे ट्राई करना चाहिए. महंगा वाला मत बताना प्लीज, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत 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 ज्यादा गरीब हूँ. तो प्लीज थोड़ा सस्ता वाला ही बताना, बहुत ज्यादा महंगा वाला मत बताना. ये वो अर्बन डिके ना 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 पाएगा भी, थोड़ा सस्ता बताना प्लीज. आगे बढ़ते हैं. लूज पाउडर के बाद आता है कैटेगरी ब्लश का. ब्लश में आई एम सो स्टोक्ड टू टेल यू गाइस अबाउट दिस न्यू ब्लश विच इज द माई ग्लैम के प्ले. दिस इज द ब्लश आई एम टॉकिंग अबाउट. अमेजिंग. इसका ये वाला जो वेरिएंट है, दिस इज द स्ट्रॉबेरी, जूसी स्ट्रॉबेरी, सॉरी 02.
such an amazing color, such provides such a youthful glow. बहुत ही ज्यादा amazing है, आप देख सकते हो कितना प्यारा color है, कितना amazing है. मैंने अभी ये cheeks पे लगाया हुआ है, सिर्फ apples पे. यहाँ यहाँ पर जो आपको pink pink सी shade दिख रही है वो यही है, बहुत हल्का सा यूज करा है मैंने, काफी ज्यादा पिगमेंटेड है तो आपको बहुत ज्यादा नहीं उठाना है. मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ इसको, ठीक है. मतलब बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है तो बहुत हल्के हाथ से ही आप इसे लगाइए, हल्का सा डस्ट ऑफ करिए और फिर ये देखिए. कैन यू लुक एट दैट कलर, कैन यू लुक एट दैट शेड, दिस इज सो गॉर्जियस है. और काफी स्मूथ भी है, मतलब इट्स बटरी स्मूथ. ये आई लव दिस, आई लव दिस शेड, आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग 2020 फाइंड्स फॉर मी. दिस होल केपले रेंज, इसका जो हाइलाइटर है, मैं दिखाती हूँ यहीं कहीं रखा हुआ है, इसका जो हाइलाइटर है वेरिएंट वो भी काफी अमेजिंग है. और कैन यू लुक एट दिस पैकेजिंग, लेट मी जस्ट स्वाइप दिस ऑफ. कैन यू लुक एट दिस पैकेजिंग, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पैकेजिंग. यहाँ पे आपको शीशा भी मिलता है छोटा सा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, और काफी अमेजिंग सा स्वर्ली सा डिजाइन भी बना हुआ है. काफी शीक लुक है, काफी मतलब इसको देख के काइली जेनर के प्रोडक्ट्स की याद नहीं आ रही है, मुझे तो आ रही है, ठीक है. तो ये काफी अमेजिंग है. तो यस, इसका हाइलाइटर भी अच्छा है. हाइलाइटर का शेड मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट. मैं हो सकता है मैंने इसका गलत शेड ट्राई किया है, मैंने सिर्फ पिंक रोज ट्राई किया है. दिस वॉज ऑल्सो सेंड टू मी इन PR, ठीक है. तो मैंने अपने आप से नहीं खरीदा है क्योंकि मैं गरीब हूं. अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करिए, नहीं मत करिए, ठीक है. हाइलाइटर अमेजिंग है, शेड उतना अमेजिंग नहीं है. मुझे और शेड ट्राई करने चाहिए इसके, शायद तब मुझे कोई पसंद आए इसमें से. बट बहरहाल ब्लश तो बहुत ही अमेजिंग है. इसके अलावा एक और ब्लश जो मैंने 2020 में फाइंड आउट किया, हालांकि वो लॉन्च बहुत पहले हो चुका है, बट मैंने 2020 में फाइंड, डेफिनेटली मुझे और ब्लश ट्राई करने चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने ये वाला ब्लश ट्राई किया, मेबलिन फिट मी. इसका शेड है न्यूड पीच, काफी अमेजिंग शेड है. यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, मैंने आज लगाया हुआ है, वो यही शेड है, हल्का सा पीचिश टोन है, बहुत अमेजिंग है. लेकिन सिर्फ एक मुझे प्रॉब्लम लगा, जो कि विच इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम, बट क्योंकि मैं इसे केपले वाले से कंपेयर कर रही हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि इसमें थोड़ा सा पिगमेंटेशन कम है. मतलब एक बार में आप, मे बी बिकॉज ऑफ कलर एज वेल, क्योंकि ये इतना न्यूट सा शेड है मेरे स्किन टोन के लिए, कि एक बार में स्वाइप करके आप लगाओगे तो उतना ज्यादा दिखेगा नहीं, आपको इसे बिल्डअप करना पड़ेगा. अगर आपके पास और इसके शेड्स हैं, कोई और शेड है, तो मुझे बताओ कि क्या आपको उसे बिल्डअप करने के लिए एक दो बार लगाना पड़ता है, या वो एक बार स्वाइप में ही अच्छे से यू नो आपके चीक्स पे शो करने लगता है. तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेबलिन के फिट मी रेंज काफी अमेजिंग है और ये प्रोडक्ट भी मुझे काफी अमेजिंग लगा. बस मुझे यही लगा कि यार दो तीन बार लगाना पड़ता है, विच इज नॉट अ वेरी बिग डील, खराब बात नहीं है, क्योंकि ब्लश उतना ज्यादा पिगमेंट नहीं होना चाहिए, वरना ब्लश और आई शेडो में फर्क क्या रह जाएगा. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट फाइंड्स इन 2020 ब्लश में. बट मुझे जरूर आप बताओ, अगर आपके पास इसका कोई और वेरियंट है, कि क्या उसे भी लगाने में आपको दो तीन बार यू नो स्वाइप करना पड़ता है या नहीं. नेक्स्ट कैटेगरी है आई शेडो. हालांकि 2020 में मैंने आई शेडो को ऑलमोस्ट लाइक डिच कर रखा है, मैं बहुत ज़्यादा आई शेडो यूज़ नहीं करती हूँ 2020 में, अनलेस आई एम डूइंग अ क्रिएटिव काइंड ऑफ वीडियो. अगर मैं इस टाइप का टॉक बेस्ड वीडियो वगैरह कर रही हूँ तो मैं मोस्टली अपनी लिप्स को बेयर छोड़ देती हूँ, हल्का सा उस पर सॉफ्ट ब्राउन सा शेड क्रीज पे, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ, बस लगा के छोड़ देती हूँ. क्योंकि आई डोंट नो, आजकल शायद वही ट्रेंड चल रहा है, राइट. आजकल ब्लू पर्पल पिंक आई शेडो का क्रेज नहीं रह गया है, न्यूड शेड का क्रेज ज़्यादा है. सो डेफिनेटली मेरा जो फेवरेट है 2020 का, वो अभी भी NYX अल्टीमेट एडिट पैलेट है, न्यूड न्यूट्रल शेड्स काफी अमेजिंग है. दिस इज इन द शेड वार्म न्यूट्रल्स, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत इजीली ब्लेंडेड होता है, और शेड भी ऐसे हैं जो आपको 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा लगाने से पहले, हर स्किन टोन के साथ जाएगा, हर आउटफिट के साथ जाएगा, अमेजिंग है. इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फाइंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. अगर आपने ये पैलेट ट्राई नहीं किया, हालांकि मुझे डाउट है कि आपने पैलेट ये वाला ट्राई नहीं किया होगा, इफ यू आर इवन इन टू मेकअप देन यू मस्ट हैव डेफिनेटली ट्राइड दिस पैलेट, विच इज निका के ब्यूटी अंडर द सी पैलेट. मतलब अंडर द सी यही वेरियंट ऐसा नहीं है कि अमेजिंग है, इसके काफी अच्छे वेरियंट्स हैं. 9 पैन पैलेट इसे बोलते हैं, काफी अमेजिंग, बहुत सारे शेड्स आते हैं इसमें. रोज शेड है, वार्म न्यूट्रल शेड है, ऑरेंज टोन के शेड्स का पैलेट है, तो काफी ज्यादा पैलेट है. ओ माई गॉड, दिस इज सो अमेजिंग, आई कैन नॉट टेल यू गाइज. काफी पिगमेंटेड शेड्स हैं, शिमर्स, मैट्स. कैन यू लुक एट दिस गॉर्जियस शेड ओवर हियर, दिस इज सो अमेजिंग, आई एम इन लव विद. और इसका जो प्राइस है, विच इज वेरी अफोर्डेबल, 200 या 250 रुपए का ये पैलेट है, और ये आपको एचओके मेकअप
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, एचओ के मेकअप की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और इसके 3 पैलेट का सेट आता है कुछ 999 रुपए का। अमेजिंग पैलेट है गाइज, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो यू आर मिसिंग आउट ऑन बिग। सीरियसली सीरियसली ट्राई दिस, अभी तक अगर आपने ट्राई नहीं किया प्लीज 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 इसे ट्राई करो, बहुत ही अमेजिंग शेड्स हैं। इसके अलावा न्यूट्रल्स में मेरे पास एक वेरिएंट और है विच इज द माई ग्लैम मनीष मल्होत्रा, दिस इज इन द शेड, व्हाट्स द शेड नेम यार, सॉयरी, ओके सॉयरी, दिस इज इन द शेड सॉयरी और सॉयरी, आई डोंट नो, ठीक है जो भी है, एस, लेट्स कॉल इट एस, ठीक है। काफी अमेजिंग शेड्स हैं, काफी पिगमेंटेड है, काफी इजी टू ब्लेंड है, और काफी मतलब यू नो हाई एंड पैलेट है। ऑब्वियसली ये छोटा सा पैलेट 1800 रुपए का है, ओके 1800 रुपए, ठीक है। तो ये छोटा सा पैलेट 1800 रुपए का है, बट इस पैलेट को देखो गाइस, आई मीन कितना हाई एंड लगता है, देखने से ही हाई एंड लगता है। आप कभी जा रहे हो रेस्टोरेंट में ऐसे निकाल के, यू नो दिस अमेजिंग, एनीवेज काफी अमेजिंग पैलेट है। अगर आप थोड़ा सा पैसे खर्चा कर सकते हो आई शेडो पे, गरीब नहीं हूँ मेरी तरह, तो डेफिनेटली ट्राई दिस गाई आउट, बहुत अमेजिंग है। और मुझे इसकी शेड रेंज काफी अच्छे लगे, स्पेशली दिस गोल्ड शेड ओवर हियर, मैं दिखाती हूँ आपको स्वाच करके, ये देखो कितनी प्यारी इसकी शीन है, कितना प्यारा इसका यू नो रिफ्लेक्शन है, कितना प्यारा अमेजिंग शेड है। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो, काफी बटरी स्मूथ भी है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो यू नो चौक टाइप का नहीं लगता, किसी किसी आई शेडो में स्पार्कल्स उस टाइप का नहीं है, बटरी स्मूथ है, फॉर्मूला काफी अमेजिंग है, इजी टू ब्लेंड है, डीपली पिगमेंटेड है, और आपको क्या चाहिए आई शेडो से, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है लिप लाइनर्स, 2020 में मैंने बहुत ज्यादा लिप लाइनर ट्राई किए, मैंने कलर वाल के लिप लाइनर ट्राई किए, मैंने वेट एंड वाइट के लिप लाइनर ट्राई किए, मैंने पैक ब्यूटी के लिप लाइनर ट्राई किए। इन केस यू डोंट नो पैक इज प्रोफेशनल आर्टिस्ट कॉस्मेटिक्स, ठीक है, उसके लिप लाइनर ट्राई किए, बट द ओनली ब्रांड दैट स्टूड आउट फॉर मी इज दिस नायका लिप्स डोंट लाई, काफी अमेजिंग। और आप देख सकते हो मेरे पास अभी ये 3 शेड यहां पर है, इसके अलावा मेरे पास 3 शेड और मेरी वैनिटी में रखे हुए हैं। ये वाले शेड्स हैं डर्टी सीक्रेट, चॉकलेट बॉय, चॉकलेट बॉय इज वन ऑफ माय फेवरेट शेड्स, चॉकलेटी ब्राउन ऑब्वियसली न्यूड शेड है, इसके अलावा पिलो फाइट, ये तीनों शेड मेरे ऑब्वियस फेवरेट्स हैं, न्यूड न्यूड टू पीची टू यू नो चॉकलेटी शेड्स हैं ये वाले, सो डेफिनेटली हर किसी को सूट करेंगे। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो जरूर ट्राई करो। एक अच्छी चीज इन लिप लाइनर की ये है कि काफी क्रीमी है, क्रीमी होने के साथ साथ ये टूटते नहीं है, ओके मतलब मैंने काफी लिप लाइनर ऐसे ट्राई किए, जैसे फॉर एग्जांपल कलर बार वगैरह के लिप लाइनर, भाई ऐसा होता है ना कि क्रीमी तो बहुत होते हैं लेकिन आप लगाते हो उसमें बीच में ही वो टूट जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा क्रीमी होते हैं बेसिकली कि वो स्टेबल नहीं रह पाते। सो डेफिनेटली कलर पॉप कॉस्मेटिक्स के भी मैंने लिप लाइनर ट्राई किए, वो भी काफी अच्छे हैं, काफी स्मूथ है, लेकिन उतने ज्यादा क्रीमी नहीं है जितने ज्यादा ये क्रीमी है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई जरूर करो, क्रीमी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसके अलावा ये टूटते भी नहीं है जल्दी और जल्दी सूखते भी नहीं है। इसमें से एक तो शायद 2020 के स्टार्टिंग में ही मैंने खरीदा था, वो अब ये वाला पिलो फाइट, यही सबसे पहला लिप लाइनर मैंने खरीदा था, इसके बाद मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे शेड्स खरीद चुकी हूं मैं, चीयर लीडर है, हार्ट ब्रेकर है, बहुत सारे शेड्स हैं इसके मेरे पास, तो उसके बाद मैंने बाकी सारे शेड्स खरीदे बिकॉज आई फेल इन लव विद दीज लिप लाइनर्स, दिस इज सो अमेजिंग, आई जस्ट लव दिस, दिस इज इंस्टेंटली गिव्स यू दैट रिफ्रेशिंग फीलिंग, बहुत ही अमेजिंग है, आपके मेकअप को स्टे करने में काफी हेल्प करता है और काफी हाइड्रेशन भी देता है आपकी स्किन को, सो डेफिनेटली गो एंड ट्राई दिस गाई आउट। हाइलाइटर में मैंने बहुत सारे हाइलाइटर ट्राई किए, मैंने काइली कॉस्मेटिक्स के हाइलाइटर ट्राई किए, मैंने माई ग्लैम का हाइलाइटर ट्राई किया, मैंने शुगर के, वेट एंड वाइल्ड के हाइलाइटर ट्राई किए 2020 में, बट जो हाइलाइटर मुझे अभी भी सबसे ज्यादा प्यारा है वो है मेबलिन का मोल्टन गोल्ड हाइलाइटर, दिस इज स्टिल माई मोस्ट फेवरेट, दिस इज वॉट आई एम वियरिंग टूडे, आई लव दिस शेड। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है लिपस्टिक, वन ऑफ माई फेवरेट्स, मैंने बहुत ज्यादा लिपस्टिक्स ट्राई किए 2020 में, मैंने बहुत सारे ब्रांड ट्राई किए, नायका की सारी नई लिपस्टिक्स ट्राई की मैंने, क्रीम मैट, ये मैट, वो मैट, वाह नायका बहुत ज्यादा लिपस्टिक्स लॉन्च करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सबसे ज्यादा स्टूड आउट की वो थी मेबलिन की सुपर स्टिक क्रेयॉन, ओ माय गॉड द फिनिश इज अमेजिंग, द पैकेजिंग इज सुपर क्यूट, इट्स वेरी इजी टू यूज, काफी अच्छे शेड रेंज हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए लिपस्टिक में, राइट।
काफी अमेजिंग है, जरूर इसे ट्राई करना. और लिपस्टिक में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो जस्ट सिट बैक ओके, क्योंकि मैं बहुत सारे लिपस्टिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ. इसके अलावा जो मैंने अभी लिपस्टिक लगा रखी है मतलब ग्लॉस के नीचे, वो है कलर पॉप कॉस्मेटिक्स की फ्यूगो. ओके, दिस इज द शेड फ्यूगो जो कि मैं अंडरनीथ लगाया हुआ है. काफी अमेजिंग है. एनेस्टेशिया बेवरली हिल्स की एक मेरी फेवरेट शेड है हडसन. ये ऑलमोस्ट उसी की तरह है, ये थोड़ा सा यू नो लाइटर शेड है उससे, जबकि दोनों का शेड रेंज कह सकते हो सेम है, वार्म चॉकलेटिश ब्राउन. ठीक है, तो काफी अमेजिंग शेड है, मुझे काफी अच्छा लगता है. इसके अलावा मेरे पास कलर पॉप के और भी काफी ज्यादा कॉफी शेड्स हैं सेम यू नो लिपस्टिक वेरिएंट में. दिस इज द अल्ट्रा मैट लिप. ओके, इसके काफी ज्यादा शेड्स हैं, मतलब 30-40 तो आई थिंक है ही. तो इसका एक बम्बल शेड है जो कि कल्ट फेवरेट है, मुझे उतना ज्यादा वो पसंद नहीं आया, शायद इंडियन स्किन टोन पे वो उतना ज्यादा सूट नहीं करता है या जो भी है, मुझे उतना ज्यादा ये पसंद नहीं आया, वो भी मेरे पास है. बट उसके अलावा मुझे ये दोनों शेड बहुत पसंद है, इसमें से एक है ट्यूली. ये थोड़ा सा यू नो दिस शेड इज वॉर्म पीची कोरली काइंड ऑफ शेड. अगर आपको दिखाई दिया दे ये कैमरा फोकस करे तो मैं दिखाती हूँ आपको दिस, यस पीची वॉर्म यू नो कोरल सा शेड है ये, काफी अमेजिंग शेड है. इसके अलावा ये वाला वॉर्म न्यूट्रल ब्राउन शेड है, मुझे बहुत ज्यादा ये दोनों ही शेड पसंद है. इसके अलावा एक और नया वेरिएंट मैंने ट्राई किया है फ्रॉम लैक्मे, फॉरएवर मैट. इसके मेरे पास 3-4 शेड्स हैं, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अमेजिंग है क्योंकि ये सिर्फ 399 रुपीज का है और इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आपको हर टाइप का शेड मिलेगा. काफी यू नो ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि छोटी सी बॉटल है, तो आप इसको बस अपने बैग में डालो और कहीं भी ले जा सकते हो. तो डेफिनेटली ये मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा. स्टेइंग पावर भी काफी अच्छी है, शेड्स भी काफी अच्छे हैं, छूटते नहीं है, ट्रांसफर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, राइट. इसके अलावा 2020 में जो मैंने सबसे मोस्ट फेवरेट मेरी फाइंड है वो है ये माई ग्लैम का परफेक्ट कर्व्स मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन. ओ माई गॉड, आई एम इन लव विद दिस शेड स्पेशली. दिस इज इन द शेड पैशन, न्यूड शेड है. मैं यहाँ पर अपनी एक पिक्चर लगा दूंगी जिसमें कि मैंने ये शेड वियर किया हुआ है ताकि आप देख सकें कि ये कैसा लगता है. इसके अलावा मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में भी इसको पहना हुआ है, मतलब कई जगह लगाया हुआ है ये. दिस इज वन ऑफ माई यू नो मोस्ट यूज मैट क्रेयॉन लिपस्टिक इन यू नो नवंबर एंड दिसंबर. सबसे ज्यादा मैंने यूज इसी को किया है. ये मुझे अगेन माई ग्लैम ने पीआर पैकेज में भेजा था नवंबर में. बट दिस इज सो अमेजिंग, सो मॉइस्चराइजिंग. आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके लिप्स ड्राई हैं, कोई भी क्रैकनेस नहीं आती है आपके लिप्स में. काफी लंबा स्टे भी है, मतलब मैट क्रेयॉन है बट अगर आप मतलब इसको टच करो तो ट्रांसफर प्रूफ भी है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं करता. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही कंप्लीटली ट्रांसफर प्रूफ है, यू नो आपके शुगर मैट एज हेल की तरह, उतना ज्यादा ट्रांसफर प्रूफ नहीं है. बट येस डेफिनेटली हर जगह स्मज आउट नहीं करेगा, आप बहुत देर तक आपके लिप्स पे भी रहेगा, काफी मॉइस्चराइजिंग है. तो अगर आप बहुत ज्यादा लिक्विड मैट यू नो लिपस्टिक के फैन नहीं है तो डेफिनेटली ट्राई दिस रेंज आउट. आई एम श्योर यू विल फाइंड योर शेड, यू विल फाइंड समथिंग दैट यू लव. बट डेफिनेटली दिस इज द वन प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन इन लव फॉर द पास्ट 2 months. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी लिप ग्लॉस. आई नो मैंने सिर्फ 2020 में सिर्फ एक लिप ग्लॉस ट्राई किया, दो. मैंने शुगर कॉस्मेटिक्स का लिप ग्लॉस भी ट्राई किया, मैंने सिर्फ उसे एक बार ही लगाया. अच्छा है, काफी अमेजिंग है, बट मुझे उतना ज्यादा यू नो लिप ग्लॉस का पता नहीं क्यों फॉर्मूला पसंद नहीं आता, थोड़ा चिपचिप चिपचिप मुझे पसंद नहीं आती उतनी ज्यादा. बट ये वाला जो लिप ग्लॉस है काइली कॉस्मेटिक्स का, दिस इज द शेड डैडीज गर्ल, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. इनफैक्ट यू नो वॉट, आई शुड ट्राई दिस राइट नाउ, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड इट स्मेल्स इनक्रेडिबल. दिस इज लाइक अ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, काफी ज्यादा अमेजिंग है. सी दिस लुक्स सो गॉर्जियस, सो अमेजिंग, सो इनक्रेडिबल, राइट, सो जूसी. तो काफी अमेजिंग शेड है, आप जरूर ट्राई करिए इसे. थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे है, ये शायद 1600 या समथिंग का था और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी इंस्टाग्राम स्टोर पे आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा. मेरा फेवरेट है एबीसी कॉस्मेटिक्स, वहां से ही मैं हमेशा ट्राई करती हूँ. मैं उसका लिंक नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी. अगर नहीं है तो प्लीज अगर आपको नहीं मिलता है वो लिंक तो प्लीज डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल शेयर इट विद यू गाइज, आई विल शेयर द हैंडल विद यू गाइज ओवर देयर. इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी हमारी मेकअप टूल्स. मेकअप टूल्स में जो सबसे ज्यादा यू नो मेरे लिए अमेजिंग आई ब्रश का सेट है वो है ये आई ब्रश. इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि मैंने ये अमेजोन से खरीदा था और इसका प्राइस है अराउंड 280 या समथिंग रुपीज. और इसमें 8 ब्रश होते हैं आई शेडो, बेसिकली सिर्फ आई शेडो के लिए है ये, फेस के लिए नहीं है. तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप ये ले सकते हो. मेरे पास मॉर्फी के भी ब्रशेज हैं,
बट बहुत सारे ब्रशेज हैं मेरे पास डिफरेंट तरीके के, बट स्टिल आई एम इन लव विद दीज ब्रशेज क्योंकि इनका एक तो शेप अमेजिंग है. इसमें 8 ब्रशेज होते हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं. इसमें ये टेपर्ड फ्लफी ब्रश भी मिलता है जो कि बहुत ज्यादा यू नो सेट्स में अवेलेबल नहीं होता है. तो इसके जितने भी यू नो शेप्स हैं मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगे, काफी इजी टू यूज हैं, काफी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हैं बट इजी टू यूज हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन. ठीक है, तो काफी इजीली मेरी आईज में, मतलब क्योंकि जिनकी आईज छोटी होती हैं उनको डेफिनेटली थोड़े से छोटे यू नो रेगुलर साइज से थोड़े से छोटे ब्रश अगर रहें तो वो इजीली क्रीज में पहुंच जाते हैं. तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ दोज सेट्स जो कि मेरी आईज के लिए बेस्ट हैं. तो अगर आपका भी आई शेप मेरी आईज जैसा है, आपके भी हुडेड आईज हैं, तो आप डेफिनेटली इस ब्रश सेट को ट्राई करो. और सिर्फ 250 रुपए का है, 250 या 280 समथिंग, 300 रुपए. ओके, सिर्फ 300 रुपए का है, डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. मॉर्फी के ब्रशेज या यू नो और महंगे ब्रांड्स के ब्रशेज मैं अवॉइड करने को कहूंगी क्योंकि ब्रशेज में मतलब आपको बहुत ज्यादा आपकी स्किन के अंदर क्योंकि वो नहीं जा रहे, तो आपको इंग्रेडिएंट से उसका बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है अनलेस इट्स यू नो वीगन. सो डेफिनेटली दैट इज वन थिंग टू लुक एट. ये वाले ब्रशेज गोट हेयर ब्रशेज हैं, डेफिनेटली दिस इज नॉट वीगन, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर मोर वीगन अफोर्डेबल ब्रशेज अवेलेबल इन इंडिया. अभी मैं उसको सर्च ही कर रही हूँ, अभी मैं मुझे ऐसा कोई ब्रश मिला नहीं है जो कि वीगन भी हो और अफोर्डेबल भी हो. तो डेफिनेटली दैट इज अ डाउन साइड फॉर दिस वन, बट स्टिल अगर मतलब मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा महंगे ब्रशेज पे स्प्लर्ज नहीं करना चाहते हो तो सेव योर मनी फॉर स्किन केयर, सेव योर मनी फॉर मेकअप टूल्स पे, स्पेशली ब्रशेज पे उतना ज्यादा खर्च करना समझदारी नहीं होगी. सो गाइज दैट इज ऑल ऑफ माई 2020 मेकअप स्किन केयर एंड टूल्स फेवरेट. मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, प्लीज 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे. वी हैव 650 सब्सक्राइबर्स, वी आर अ फैमिली ऑफ 650 मेंबर्स, सो डेफिनेटली आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन सब्सक्राइब ऑन माई चैनल प्लीज. और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, मेरा हैंडल है रिजी ट्यूटोरियल. मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ और मैं हर एक सिंगल डीएम का रिप्लाई भी करती हूँ इंस्टाग्राम पे. तो प्लीज प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए. ओके, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो.